दोस्तों, अगर आप सेकेंड ईयर में हैं तो आपको इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन पेपर चाहिए होगा। और क्या कुछ आपका एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा, किस तरीके से आपके क्वेश्चंस आने वाले हैं, मैं इसमें इस वीडियो के माध्यम से आपको 2 से 3 क्वेश्चन पेपर देने वाला हूं, जिससे आपको एग्जैक्टली आइडिया हो जाएगा कि आपका एग्ज़ाम आएगा कैसे। और इन तीनों क्वेश्चन पेपर को आपने अच्छे से अगर प्रैक्टिस कर लिया तो 80% या 80 से 90%, तो 80% तो क्वेश्चन आपको इसमें से मिलेंगे ही मिलेंगे, जो वहाँ पे आपको सेम टू सेम उसी से क्वेश्चन बन के आ रहे होंगे। तो अब मैं यहाँ पे आपको क्वेश्चंस दिखा देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे कुछ ये इंस्ट्रक्शंस हैं, तो आप एग्ज़ाम टाइम में फॉलो करेंगे ही करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले ये क्वेश्चंस हैं। इंग्लिश मीडियम के साथ साथ हिंदी मीडियम में भी इसका आपको ट्रांसलेशन मिल जाएगा। तो ये एक पेज है, मैं इसका आपको यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं स्टार्टिंग से दिखा देता हूँ। दिस पेज नंबर 1, पेज नंबर दिस। तो यहाँ तक आपका एक क्वेश्चन पेपर पूरा का पूरा सेट मैंने आपको दिखा देता है। मैं बाकी के भी सेट आपको दिखा देता हूँ। ये इसका सेट 2 है, एक दूसरा क्वेश्चन पेपर है। तो यहाँ पर आप पढ़कर कंफ्यूज मत होना कि इसमें बीए भी लिखा है, बीएससी भी लिखा है, बीकॉम भी लिखा है। सिलेबस सेम है तो एग्ज़ाम आपका सेम ही आएगा, क्योंकि ये हर कोर्सेज के अंदर ये जो सब्जेक्ट है उसमें सेम क्वेश्चंस सेम पैटर्न ही रहता है। मैं कुछ इस तरीके से शो कर रहा हूँ आपको ताकि आप स्क्रीनशॉट ले पाएँ। बाकी अगर आपको इसके सॉल्यूशन चाहिए तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना और मुझे कमेंट करके ज़रूर बता देना कि आपको इसके सॉल्यूशन भी चाहिए, तो मैं इसके सॉल्यूशन आपके लिए ले आऊँगा। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक चाहिए ताकि मुझे पता लगे कि आप लोगों को कितनी ज़्यादा नीड है आंसर्स की, या ऑलरेडी आप लोगों के पास कोई सपोर्ट मटेरियल, नोट्स या गाइड है तो कोई बात नहीं। बट अगर आपके पास नहीं है, आप चाहते हैं कि इसका सॉल्यूशन आपको मिले और कैसे आपको अपना एग्ज़ाम क्रैक करना है, तो उसकी आपको गाइडेंस मिले, सॉल्यूशन मिले, तो आप ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके ये मैसेज मुझे बताइए और कमेंट करके भी बताइए, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर भी करो अपने दोस्तों के साथ। एटलीस्ट उनके क्वेश्चन पेपर तो ये काम आने ही वाला है। क्योंकि जितने ज़्यादा आप लोग कमेंट्स करके या लाइक्स करके मुझे बताएंगे कि आपको आंसर्स की कितनी नीड है, तो उतना ही ज़्यादा हमें मोटिवेशन मिलेगा आप लोगों के लिए आंसर लाने के लिए।
ये थर्ड मैं क्वेश्चन पेपर आपको शो करने जा रहा हूँ अब, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप देख सकते हैं आपका जो ये क्वेश्चन पेपर है थ्योरेटिकल तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी हैं, और इन न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को आपको कैसे सॉल्व करना है ये आपके लिए एक चैलेंज हो सकता है, क्योंकि जो इकोनॉमिक्स के बच्चे हैं उनके उनको थ्योरी ही नहीं संभलती है। अब जो बच्चे रेगुलर पढ़ रहे होते हैं NCVAP के होते हैं तो वो तो फिर भी क्लास ले लेते हैं, लेकिन जो SOL के स्टूडेंट होते हैं वो बेचारे क्या करें। तो अगर आप कहीं पढ़ रहे हैं, ट्यूशन ले रहे हैं, तो फिर तो बढ़िया है, बट अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं, ट्यूशन नहीं ले रहे हैं और आपको इसकी गाइडेंस चाहिए, सॉल्यूशन चाहिए, तो आप ज़रूर से ज़्यादा कमेंट करके बताएं, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और इसके अलावा अगर आपको कोई और सब्जेक्ट के भी क्वेश्चन पेपर चाहिए तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करें, किसी और सब्जेक्ट के अगर आपको चाहिए तो वो क्वेश्चन पेपर भी मैं ले आऊँगा। और ये क्वेश्चन पेपर को हल्के में मत लेना मेरे दोस्त, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है, ठीक है? इन्हीं से ही आपका एग्ज़ाम आएगा, आप लिखवा के ले लो, आपके जो क्वेश्चंस हैं ना इससे बाहर नहीं आने वाले। तो ये मैंने आपको क्वेश्चंस सारे के सारे शो कर दिए हैं, आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। इसके अलावा अगर आपका कोई डाउट बच जाता है, और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करके बताओ कि आपको इसके सॉल्यूशन चाहिए, सो दैट मैं आप लोगों के लिए वो ले आऊँगा। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, बाय बाय एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।